सो हेलो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। आज हम करेंगे एलिंगहाम डायग्राम। ओके, आज हम एलिंगहाम डायग्राम करेंगे। ये मेटलर्जी का बहुत अच्छा टॉपिक है। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारे एमसीक्यू के लिए। ओके, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ हमारा एलिंगहाम डायग्राम है। ये है टेम्परेचर वर्सेस डेल्टा जी का डायग्राम। ओके, ये टेम्परेचर वर्सेस डेल्टा जी का डायग्राम है। ओके, ये उसकी थियरी है सबकी सब। ओके, ये थियरी है, हम थियरी देखते नहीं हैं, आप पढ़ लेना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। ओके, लेट मी ड्रॉ लाइंस। ओके, अब लाइंस जो होती है वो दो तरह की होती है। ओके, एक मिनट, पहले लिख लेता हूँ। ये डेल्टा जी और ये टेम्परेचर। ओके, एक मिनट, यहाँ पे और कुछ भी लिखना है हमें। ये डेल्टा जी, यहाँ जो पॉइंट्स होंगे, यहाँ जैसे कि ज़ीरो है, तो यहाँ जो ये सब पॉइंट्स होंगे वो नेगेटिव में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ है -500 डिग्री, अरे सॉरी -1500। ओके, फिर यहाँ 1400, 1300, 1200, 400, 300, 200। ओके, सो ये जो डेल्टा जी का वैल्यू है नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ टेम्परेचर 0, 1, 2, 100, 200, 300, 400, 500, up to let's say 3000। ओके, ओके, सो यहाँ पे जो लाइंस होती हैं वो दो टाइप्स की होती है। एक तो ये ऐसे ऊपर डायरेक्ट जाएगी, ये दूसरे टाइप की ऐसी भी होती है। ओके, ऐसी दो टाइप्स की लाइन होती है। ओके, ये जो लाइन ऊपर जा रही है ये तो नॉर्मल लाइन है। ओके, यहाँ पे कुछ स्टेट का चेंज नहीं हो रहा है। पर ये जो टाइप की लाइन है, इस लाइन के टाइप में क्या होता है कि देखो, यहाँ से ये जा रही है, पर यहाँ से वो बेंड हो रही है और फिर ऊपर जा रही है। तो ये जो सर्कल है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो हमारा मेटल है, मेटल या नॉन मेटल है, ये जो पॉइंट है, एक मिनट, ओके, ये जो पॉइंट है ये इस मेटल या नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट है। ये हमारे मेटल और नॉन मेटल का, ये मेटल और नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, यहाँ से फिर उसका स्टेट चेंज होगा, यहाँ से स्टेट चेंज होगा और वो ऊपर चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ रहे हो? ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से ये हमारा ग्राफ है। ओके, ओ सॉरी, ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एक सेकंड केस लेते हैं। ये ऐसे जा रही है लाइन ऊपर, ये ओके, इसको ऐसे, ये ऐसे है और ये ऊपर जा रही है, यहाँ पे समझ लेना पॉइंट। ओके, ओके, अब इसमें जो एलिंगहाम डायग्राम का प्रिंसिपल है कि हमें पता लगाना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो लेट्स से कि ये मेटल में से मेटल ऑक्साइड और ये लाइन है नॉन मेटल में से नॉन मेटल ऑक्साइड। ओके, अब इसमें हम डालेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की लाइन आएगी यहाँ पे, एक अलग कलर से। ओके, यहाँ से ये ऐसे। ओके, सो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, दिख रहा है? ओके, ये जो पॉइंट है
इस पॉइंट पे ये टेम्परेचर है और ये डेल्टा जी है, डेल्टा जी। ओके, सो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे लेट्स से इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे टेम्परेचर और डेल्टा जी की वैल्यू दोनों लाइंस के लिए, ये जो दो लाइंस हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों के लिए डेल्टा जी और टेम्परेचर की वैल्यू सेम होंगी। ओके, दोनों की वैल्यू सेम होंगी। ओके, अब एक और केस लेते हैं, पहले ये समझ लो थोड़ा, फिर से। और ये तो था। ओके, सो ये जो पॉइंट है यहाँ पे दोनों लाइन, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे ये जो दो लाइंस हैं, ये जो दो लाइंस हैं उनका इंटरसेक्शन हो रहा है। ओके, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पे दोनों लाइन का टेम्परेचर, दोनों मेटल का या नॉन मेटल का टेम्परेचर और डेल्टा जी का वैल्यू इक्वल होगा। ओके, एक नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस में क्या है, ये लाइन, ये ग्राफ, अरे यार ये ग्राफ, ये हमारा टेम्परेचर, ये डेल्टा जी। ओके, ये डेल्टा जी। ओके, सो इसमें एक और केस लेते हैं कि ये ऐसे लाइन, एक मिनट, कलर चेंज। ओके, ये एक ऐसे, हाँ ये एक ऐसे लाइन जा रही है, नहीं रुको, ये एक ऐसे लाइन जा रही है, हमने यहाँ से दो रिड्यूसिंग एजेंट्स पास किए, ये दो रिड्यूसिंग एजेंट्स पास हुए। ओके, लेट्स से ये है RA2 और ये है RA1। ओके, और ये हमारा, फॉर एग्जांपल, मेटल ऑक्साइड की ये लाइन है। ओके, सो इसमें अब क्या होगा कि दोनों जो है वो एक एक पॉइंट पर टच हो रही है, मेटल और मेटल ऑक्साइड की लाइन से दोनों टच हो रही है। ओके, सो अब इस केस में एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इन दोनों में से सबसे पहले कौन रिड्यूस होगा, सबसे लोअर टेम्परेचर पे कौन इक्वल होगा। मैंने आंसर दे दिया। ओके, कौन इक्वल होगा इस लाइन से सबसे पहले, दो आंसर इस RA2। कैसे RA2, क्योंकि ये जो RA2 है ये RA2 लोअर टेम्परेचर पे इस मेटल टू मेटल ऑक्साइड की लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट पे ये दोनों का टेम्परेचर और ये दोनों की डेल्टा जी की वैल्यू इक्वल है। ओके, ओ एक पेज की ज़रूरत है और। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि एलिंगम डायग्राम यूज़ क्यों होता है। सो क्वेश्चन है कि 2 times H2 प्लस O2 gives us 2 times H2O
ये रिएक्शन आपको पता है, ओके, H2 और O2, तो ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा कि एटमॉस्फेयर में H2 भी है और O2 भी है, दोनों रिएक्ट क्यों नहीं करते? दोनों यह ऐसा हो सकता है तो दोनों रिएक्ट क्यों नहीं करते? इसका जवाब हमें देगा एलिंगहम डायग्राम, ओके, एलिंगहम डायग्राम हमें इसका जवाब देगा कि प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, प्रॉपर टेम्परेचर क्या है, प्रॉपर टेम्परेचर क्या है, प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इसके बेसिस पे ही ये रिएक्शन होगी। टेम्परेचर फेवरेबल होना चाहिए दोनों के रिएक्ट करने के लिए, ओके, समझ रहे हो? हाँ, ओके फ्रेंड्स, अब और कुछ तो है नहीं इसमें इसमें समझने के लिए, ओके, सो बस एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या किया। एलिंगहम डायग्राम, ओके, ये सब चीज़ें हैं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे दोनों लाइंस का टेम्परेचर और डेल्टा जी वैल्यू इक्वल होगा, ओके। नेक्स्ट, ये थियोरी है, पढ़नी हो तो पढ़ लेना, ओके। यहाँ दो टाइप की लाइंस होती हैं, ये पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ओके। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया, ये रिड्यूसिंग एजेंट का समझाया कि क्या होता है। फिर हमने एक एग्जांपल लिया Ra2 और Ra1 का, रिड्यूसिंग एजेंट 2 और रिड्यूसिंग एजेंट 1 का, कौन जल्दी रिएक्ट हो जाएगा, किसका पहले टेम्परेचर इक्वल होगा, टेम्परेचर और डेल्टा जी वैल्यू, ओके, हमने ये समझा, ओके। सो और एक चीज़ भी बच गई है हमारी, कहाँ गया हमारा डायग्राम, ओके। इसमें से हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे डेल्टा जी डेल्टा जी इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा -500 to 0 पॉजिटिव, और जैसे जैसे डेल्टा टी ऐसे जाएगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, और जैसे जैसे डेल्टा जी डिक्रीज होगा उसका वैल्यू नेगेटिव होगा, ओके। ये एक समझने वाली बात है, ओके। अब और कुछ तो है नहीं इस एलिंगहम डायग्राम है, जो है यही है, इसके लिमिटेशंस भी है, हमें आपको एक बार पढ़ लेने हैं तो आपको क्या पता चल जाए कि क्या हो रहा है इस एलिंगहम डायग्राम में, और क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता, और ये थियोरी भी एक बार देख लेना क्या होता है, शायद कोई MCQ पूछ ले, ओके फ्रेंड्स, ओके। सो समझ गए एलिंगहम डायग्राम को, ये रिएक्शन हमें मन में रखना है कि एलिंगहम डायग्राम क्यों यूज़ होता है। सो दो चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए एलिंगहम डायग्राम यूज़ होता है, एक तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और टेम्परेचर कितना होगा रिएक्शन के लिए, ओके फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, ओके, टिल देन गुड बाय, एक बार पढ़ लेना, ओके। सो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को, और कमेंट करना मत भूलना, ओके, गुड बाय।